अभी हम लोग पाठ चर्चा के तृतीय में वर्ण विच्छेद का पाठ पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद की क्या आवश्यकता है बच्चों के लिए पूछे जाने पर मैं ये कह सकता हूँ, किसी शब्द की गहराई से समझने के लिए उसके अंतर्गत आने वाले हर स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण या संयुक्त वर्ण की सही प्रयोग एवं उच्चारण करने के लिए ये वर्ण विच्छेद की आवश्यकता है। कहीं पे कुछ शब्द लिखा जाता है श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण लिखा जाए और यहाँ पे मान लेते हैं विसर्ग, श्री कृष्ण पुल्लिंग शब्द है श्री कृष्ण, तो श्री पाने के लिए हम लोग पहले पाठ में पढ़े हैं स हलंत र हलंत दीर्घ ई श्री, क्रु पाने के लिए क हलंत रु हलंत मूर्धन्य स हलन ण हलन अ। अब पूछेंगे कैसे होता है करके, तो श्री प्राप्त हुआ मुझे श्री से, क्रु प्राप्त हुआ मुझे क हलन रु से, यहाँ पे आधा मूर्धन्य स होने के लिए स और ण दो व्यंजन वर्ण है जो मिल नहीं सकते, इसलिए पहला वाला आधा होने के लिए मैंने उसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं जोड़ा, तो दो व्यंजन वर्ण आपस में नहीं मिल सकते, इसलिए पहला वाला आधा हो जाएगा। फिर बाद में है ण, क्योंकि ण में अ मिलने से पुराना और अ विसर्ग आ गया। उसी तरह मान लेते हैं कहीं पे लिखा है यज्ञान, यज्ञान पाने के लिए य हलंत अ प्लस ज हलंत म्य हलंत आ प्लस न में अलग, देखते हैं य में आ जुड़ने से य में आ जुड़ा इसलिए ज्ञान न को न, कहीं पे लिखा है कमल, ये एक्चुअली क्या होता है पूरे वर्णों का उच्चारण के हिसाब से लिखे जाते हैं, क कहने से आप लोगों को मिलता है क प्लस अ, म महलन प्लस अ, ल लहलन प्लस अ, इनको जोड़ सकते हैं क म ल, इसी तरह वर्ण विच्छेद किया जाता है जो कि हर शब्दों के लिए इसी हिसाब से प्रयोग होते हैं। आप लोगों को इसकी अगले कार्यक्रम जो है होमवर्क, मैं इसके ऊपर होमवर्क कुछ दे सकता हूँ, इसको अच्छे से गहराई से अवबोधन करें तो आने वाले समय में आप लोगों का ये हेल्पफुल होगा। इतना ही, धन्यवाद।